भाजपा नेता किट सोमैया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए चुनावी फंड जुटाने महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले को अंजाम दिया गया। माफियाओं, आईएएस अधिकारियों व मंत्रियों की मिलीभगत से यह घोटाला किया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि इस घोटाले में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्रा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विजय दर्रा सहित राज्य के एक और मौजूदा मंत्री शामिल है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोमैया ने कहा कि मंत्री, माफिया और नौकरशाहों की मिलीभगत से 10,000 करोड़ के कोयला घोटाले को अंजाम दिया गया। आईएएस अधिकारी ए रामाकृष्णन, वीके जरत, वीके सावरखाड़े, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री राजेंद्र दर्रा, सांसद विजय दर्रा शामिल है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने कोयला घोटाले की जांच शुरू की है, लेकिन राज्य की कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इस संदर्भ में सीबीआई ने पहला पत्र 12 जून 2012 को भेजा था। सोमैया ने घोटाले की तुलना आदर्श घोटाले से करते हुए कहा कि आदर्श घोटाले की तरह कोयला घोटाले की फाइल भी गायब हो रही है। कोयला खदान आवंटन के लिए केंद्र ने किस आधार पर सिफारिश की थी? आवेदन करने वाले कंपनियों की आर्थिक जानकारी आदि देने की खनिज व उद्योग विभाग आनाकानी कर रहा है। अभी तक इस घोटाले के संबंध में राज्य सरकार ने सीबीआई को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने दावा किया है कि सीबीआई ने दर्रा परिवार पर फर्जी हलफनामा देकर सरकार के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। सोमैया ने सवाल किया कि मिस्टर किंग मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इस घोटाले से संबंधित सारी जानकारी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएंगे क्या? वीके जयरत और वीके सावरखांडे, इन तीनों अधिकारी ने किस आधार पर इस प्रकार से खदान दी? क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे? और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अभी जिन कंपनियों को खदान मिली उसी कंपनी में ये मालिक या डायरेक्टर बन गए। साथ में मंत्री के तौर पर अशोक चव्हाण का नाम पहला ही आया है, विजय दर्रा, राजेंद्र दर्रा। और जिस ग्रेस इंडस्ट्री के ऊपर सीबीआई ने केस फाइल किया, महाराष्ट्र से जानकारी मांग रही है, महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही है, उस ग्रेस इंडस्ट्री में मुझे अभी वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर की, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर होल्डर है, पार्टनर है, ये डॉक्यूमेंट मिले। मैंने सीबीआई को ये पेपर भेज दिए कि इसकी जांच हो। ये जो लोग हैं, इनका रोल क्या था थोड़ा बताइए। ऐसा ये जो अधिकारी है, नाम लेकर बताइए। अभी वीके जयरत और सावरखांडे 2006 से 2009 ये अपने पद पर थे और इन्होंने कंपनियों की जांच किए बगैर उनके फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको कोयले की खदान देने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया। जो दूसरे, जो रामकृष्णन है, उन्होंने तो इस प्रकार की खदान दूसरे के नाम से पहले ली, गुप्ता के नाम से, फिर वो अग्रवाल के नाम से गैर कानूनी पद्धति से अग्रवाल और अपने नाम पर ट्रांसफर कर ली। ग्रेस इंडस्ट्री के खिलाफ गुनाह दाखिल हो चुका है और जिसमें यह रामकृष्ण डायरेक्टर शेयर होल्डर है। सीबीआई ने जून 2012 से जून 2013 एक दर्जन चिट्ठियां लिखी, इन कंपनियों को किस आधार पर आपने पेपर दिए थे, इन कंपनी से आपने जो फाइल, एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कुछ दिया था उसकी कॉपीज हमें दीजिए, आपके अधिकारियों ने इसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, नहीं लिया तो क्यों और लिया तो क्या लिया, ये सब डॉक्यूमेंट दीजिए। 12 महीने से लगातार कहने के बावजूद राज्य सरकार इनको कोई जानकारी नहीं दे रहा है और सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि हमारे पास पेपर उपलब्ध ही नहीं है। सूचना अधिकार में मैं जब गया तो 6 महीने मुझे रखड़ाने के बाद में अब जब वो पेपर दिखा रहे हैं तो इतनी छोटी सी फाइल है जिसमें इस प्रकार के कोई दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है। कहाँ गई है सब पेपर? खदाने कौन से थी, किसके अधिकार में कितनी खदाने हैं? ऐसा एक दर्जन खदाने हैं जिसका मार्केट वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है। इनमें से आधी खदाने ये बेनामी लोगों के हाथ में चली गए या फोर डॉक्यूमेंट के आधार पर आवंटित की गई है, जिनमें से कुछ खदानें उन्होंने बाहर मार्केट में बेच भी दी है।